यू हार्टली वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू चैनल। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस रिवाइटल एच वुमेन का। जब भी मेरा व्लॉग्स चेक करते वीडियोस देखते हैं उन्हें मैंने बता के रखा था कि मैं 1 मंथ से ये ले रही हूँ और मैंने वीडियोस में भी शो किया था और आज पूरा 1 मंथ हो गया है और इसे खाने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, सिर्फ 1 मंथ कैसा फील हो रहा है मैं सब आपसे शेयर करूंगी। ये कितना वर्थफुल है सब आपको आज वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि जो भी मुझे फील होता था ना इसे खाने से पहले और मैंने इसे क्यों खाना शुरू किया, वो बहुत सारे लेडीज़ को ऐसा फील होता होगा, वो इस चीज़ से गुजर रही होंगी। तो ये वीडियो जो है ना काफ़ी लोगों को हेल्प करने वाला, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली मेरी प्रॉब्लम जो थी उसके वजह से मैंने इसे खाना शुरू किया वो था हेयर लॉस। मेरा बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ रहा था और उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे पैरों में हमेशा रात में दर्द होता था और ऐसा दर्द उठता था जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैर को रस्सी से कुछ देर के लिए बांध लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। तो ऐसा बहुत दिन से चला आ रहा था। और एक बात और बता दूँ कि मुझे थायराइड है और मुझे ऐसा फील होता था, और ये आफ्टर बेबी डिलीवरी मुझे ऐसा हुआ है थायराइड, और जब पैर में दर्द मुझे हुआ करता था तो मुझे कभी ना कभी ऐसा फील हुआ करता था कि हो सकता है ये थायराइड से दर्द हो रहा है, क्योंकि थायराइड में ऐसा है कि बॉडी पेन करता है। तो कहीं और दर्द नहीं, सिर्फ पैर में दर्द होता था ठेहने से नीचे तक। तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है थायराइड से हो रहा है, तो मैं इसे हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी होता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ ताकत की चीज़ लेनी चाहिए, जैसे कि मैं खाने की हर चीज़ तो खाती हूँ, जैसे कि 3 वक्त का खाना है तो वो खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स है वगैरह सब चीज़ ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ खाने से बॉडी में पूरा हो जाए, क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना हम लोग छोड़ देते हैं, एक वक्त का खाया दूसरे वक्त स्किप कर गए, या फिर ऐसा होता है कि जंक कुछ खा लिया तो वो बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट या विटामिंस नहीं दे पाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बॉडी के अंदर जानी चाहिए डेली, जिससे कि हमारा सारा जो विटामिन मिनरल्स का जितना भी हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो उसको मिल जाए। तो उससे है कि हेयर लॉस नहीं होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा और जो भी आपके बॉडी एक है, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, वो सब चीज़ नहीं होगा जहाँ तक मैं सोचती हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ तो ऐसा लेना चाहिए जो कि बैलेंस्ड डाइट हमें देता है, वो चीज़ हमको मिल जाए। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं था, मुझे कोई सलाह देने वाला था नहीं, बस टीवी पे इसका ऐड देखा और इसका मैंने ये सब चीज़ पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ डली हुई है, बहुत सारी चीज़, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B9, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ई, इवन कैल्शियम, सिलेनियम, बहुत सारी चीज़ इसमें डली हुई, जिनसिंग, बायोटिन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो डली हुई है। तो मैंने इसे खाना शुरू कर दिया कि चलो भाई इसको खाकर देखते हैं। इतनी सारी चीज़ें, और ये जैसे कि ये रिवाइटल बोलता भी है कि ये वुमेन स्पेसिफिक बना हुआ, जो कि एक वुमेन को चाहिए वो चीज़, इसके अंदर सारी चीज़ डली हुई है। तो मैंने बस यही सोचकर इसे खाना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इसमें लिखी है, फॉलिक एसिड, आयरन, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, जिनसिंग। जिनसिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि जिनसिंग जो वो है आपके एजिंग को रोक देता है, एजिंग को कम कर देता है। बायोटिन का भी यही रोल है, आपके हेयर को, स्किन को ग्लो दे देता है, हेयर फॉल को रोक देता है। और विटामिन B12 एंड B6 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेयर लॉस के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए। तो बस यही चीज़ मुझे अट्रैक्ट की और मैंने इसे खाना शुरू कर दिया। तो मैं खा रही थी और इसे मैंने रमज़ान में खाना शुरू किया और अब पूरा 1 मंथ हो गया है। तो खाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हेयर लॉस मेरा 70-80% कम गया है। हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो हेयर लॉस होना ही चाहिए। जैसे कि डेली कहा जाता है कि आपका 70-80 अगर हेयर फॉल हो रहा है तो 70-80 अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कंघी में आने लगे तो ये हेयर फॉल है और उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और भी बहुत सारे मिनरल्स उसमें हों, जो कि हम लोग डेली डाइट में नहीं ले पाते हैं, जो हम लोग इंडियन वुमेन हैं नहीं ले पाते हैं और उसको लेना चाहिए।
इसी से हमारी जो स्किन है उसमें पिगमेंटेशन भी आ जाता है, स्किन टायर्ड दिखने लगती है हमारी, ऊपर से ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ का हमारा हमें पता नहीं होता कि क्या, हम लोग रोज रोटी दाल चावल सब्जी तो खा लेते हैं लेकिन उससे हमारे बॉडी को पूरा विटामिन या मिनरल नहीं मिलता है। बस यही सोचकर मैंने इसे खाना शुरू किया था। तो मुझे हेयर लॉस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा हेयर फॉल 70-80% रुक गया है और इसके लिए मैं हैप्पी हूँ। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए वो था मेरा पैरों का दर्द जा चुका है 1 मंथ में। इवन मैंने पूरा रोज़ा रखा है और रोज़ा रखने के बाद भी, और रोज़े में खाना ऊपर नीचे हो जाता, कभी सही खाई नहीं खाई, इफ्तार कर लिया, रात में थोड़ा मोड़ा खा लिया, लेकिन मुझे पैरों की दर्द मेरी जा चुकी है। मुझे थायराइड है लेकिन मुझे कहीं पर भी बॉडी एक फील नहीं हो रहा है इसको खाने के बाद। मेरा बाल झड़ना रुक गया है, स्किन ग्लो मेरा कितना कर रहा है वो आप देख कर बताएंगे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले से मेरा स्किन अच्छा हो गया। तो ये बात थी इस रिवाइटल एच वुमेन की। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। और ये जो लास्ट है टैबलेट मैं आपके सामने खाऊंगी, या मैं आपके सामने इसे ओपन करके दिखा दे रही हूँ, पानी मैंने यहाँ पर लाया नहीं, मैं खाऊंगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने सिर्फ 1 मंथ खाया है और लगभग मैं इसे 2 मंथ्स और खाने वाली हूँ। उसके बाद मैं 15 डेज का ब्रेक लूँगी इसे खाने के लिए। ऐसा रिवाइटल वाले भी बोलते हैं कि 15 डेज का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से इसे कंटिन्यू करिए। तो मैं 3 मंथ्स खा के देखूँगी, फिर ब्रेक लूँगी, फिर कैसा मुझे फील हुआ 2 मंथ्स के बाद तो वो भी मैं बताऊँगी। टिल देन बाय, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बाय।